महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा कैब को लेकर जामिया इस्लामिया में हुई घटना को जलियांवाला कांड से भी बड़ा बताए जाने वाले बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे पर कांग्रेस का रंग चढ़ चुका है। शिवसेना और उद्धव ठाकरे वही कहते हैं जो कांग्रेस चाहती है। ये वो उद्धव ठाकरे नहीं जो शिवसेना की हुआ करते थे। किस बात की जांच कराएं? हुड्डा साहब को तो, क्योंकि आप वो भ्रष्टाचार के केस में फंसे हुए हैं, उनको सारी दुनिया भ्रष्टाचारी नजर आती है। उद्धव ठाकरे पर अब कांग्रेस का रंग चढ़ चुका है और वो वही बोलता है जो कांग्रेस चाहती है। अब ये वो उद्धव ठाकरे नहीं रहा जो शिवसेना का हुआ करता था। ये बिल्कुल जो लोग लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को रोक रहे थे और अंदर वो पिट गए, उन्होंने ही आकर ये सारा षड्यंत्र रचा है। और आप पार्टी के लोग तो शरेआम डिफेंड करते हुए नजर आए हैं और वहाँ पर भाषण देते हुए नजर आए हैं, तो ये इन लोगों का ही किया हुआ खेल है। ये हिंदुस्तान की शांति को भंग करना चाहते हैं, लेकिन लोग अब समझ चुके हैं, लोग इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। वहीं दिल्ली में जामिया कांड के ऊपर कांग्रेस और आप नेताओं के खिलाफ हुई एफआईआर पर भी अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का नाम लिए बिना उन पर विज बोले, जो लोग लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को रोकना चाहते थे और वो पिट गए थे, उन्होंने दिल्ली में आगजनी करवाई है। विज ने कहा कि चंद राजनीतिक दल, खासतौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, देश की शांति लेकिन लोग इनकी बातों में नहीं आने वाले। वही आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अनिल विज ने झूठ की फैक्ट्री बताया और कहा कि वे झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। अंबाला से न्यूज के लिए कृष्णा बाली की रिपोर्ट।